Hello students, welcome to my channel, the Pharma Parshala, and today we are going to discuss about importance of quality control and quality control system. सो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल वो प्रोसेस या वो टेक्निक या वो प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी जो भी हम बना रहे हैं जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है जो रिक्वायरमेंट हमारी है क्या वो प्रोडक्ट उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है तो उसे चेक करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं So जो बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो ड्यूरिंग प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस चेक किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रोसेस का मतलब है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस दौरान उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ड्यूरिंग प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस क्या होती है जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन करके आ गया है देन उसके बाद आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो जो रिक्वायरमेंट थी उसको फिलफिल -फिल कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है आई एस ओ नाइन थाउजेंड सॉरी आई एस ओ तो आई एस ओ क्या है आई एस ओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है जो गाइडलाइन सेट करता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए इन्होंने क्या कर रखा है कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ज़रूरी होती हैं तो अकॉर्डिंग टू आई एस ओ नाइन थाउजेंड ये नाइन थाउजेंड क्या है ये कोड वर्ड है इनके नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड वन तो इनके अंदर अलग अलग गाइडलाइन तो जो नाइन थाउजेंड वाली गाइडलाइन है आईओसी की वो क्वालिटी कंट्रोल से किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड करती है तो अकॉर्डिंग टू आई जो डेफिनेशन होगी क्वालिटी कंट्रोल की क्या होगी इट इज़ डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट मीन्स ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है या उसको चेक करने में हेल्प करता है दैट इज़ कॉल्ड आई एस ओ नाइन थाउजेंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अब जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में दे आर लॉट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सो उसमें से कुछ हमने डिस्कस किए हैं जैसे फर्स्ट है डिटेक्ट क्वालिटी डेविएशन तो यहाँ पे डेविएशन का मतलब क्या है कि एक रेंज होती है सपोज कीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया मैन्युफैक्चर किया तो अगर हम उस प्रोडक्ट को किसी मानक किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें ये पता चलेगा कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है क्या वो स्टैंडर्ड की तरह अच्छा है उसकी क्वालिटी गुड है या नहीं है अगर वो उसकी जो स्टैंडर्ड है उसकी क्वालिटी के अगेंस्ट थोड़ा सा कम भी आ रहा है तो कितनी क्वांटिटी में डेविएशन आ रहा है डेविएशन का मतलब ही है चेंजेस आना तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से हमें यह भी पता लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया है अगर उसका कंपैरिजन मानक से करें स्टैंडर्ड से करें तो कितनी क्वांटिटी में वो बाहर जा रहा है तो उसको चेक करने के लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस बाई कस्टमर अब एक्सेप्टेंस बाई कस्टमर का मतलब क्या है कि जो कस्टमर किसी भी चीज़ को कब एक्सेप्ट करता है जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और स्टैंडर्ड हो तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनक्रीज़ करने में और उसको स्टैंडर्ड बनाने में जिससे कि वो कस्टमर के थ्रू रिजेक्ट ना की जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अर्न गुडविल जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो कस्टमर के माइंड में हमेशा यह रहता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होता है तो वहाँ से हमें एक गुड नेम मिलता है प्रोडक्ट के लिए तो जब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनक्रीज करने के लिए जिससे कस्टमर के माइंड में हमेशा यह रहे कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो इस तरीके से जो कंपनी होती है वो गुडविल अच्छी थिंकिंग अर्न करती है नेक्स्ट आती है डेवलप क्वालिटी कॉन्शियसनेस डेवलप क्वान्टी क्वालिटी कॉन्शियसनेस में जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है वो डेवलप करता है जो भी वर्कर होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर ताकि वो प्रोडक्ट उसकी जो वर्कर हैं उसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सकें साथ ही साथ जो भी वेस्टेज हो रहा है जो भी इंडस्ट्री के अंदर वेस्टेज हो रहा है उसको वो रिड्यूस करें और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट को बनाएं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होती है टाइमली डिलीवर डिलीवरी ऑफ गुड्स गुड्स का मतलब होता है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने बनाया है तो टाइमली डिलीवर कैसे होगा अगर एक गुड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर हमारे पास होता है तो उस प्रोसीजर के हिसाब से जब हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में कहीं पे भी कोई प्रोसेस में डिफेक्ट नहीं आएगा अगर डिफेक्ट नहीं आएगा प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो प्रोसेस रुकेगी नहीं जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो ठीक टाइम पर होगी प्रोडक्ट ठीक टाइम पर बनेगा और ठीक टाइम पर उसकी डिलीवरी होगी तो इसी जो क्वाल डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो एक गुड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर भी डिपेंड करता है नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस आती है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी अब एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमेशा जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज़ करने का काम करता है जिससे जो आउटपुट है आउटपुट का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है जो भी आउटपुट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जब हम इनपुट यूज़ करते हैं इनपुट मीन्स जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जितने भी मटेरियल यूज़ करते हैं उन सभी को बोलते हैं इनपुट जो इनपुट हो उनकी वेस्टेज कम से कम हो तभी जा करके प्रॉफिट होगा तो आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए और इनपुट मीन्स जो वेस्टेज है वो कम से कम होना चाहिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है मोटिवेट इम्प्लॉयज़ मीन्स जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है अगर एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमारे पास हो तो जो हमारा वर्क करने का तरीका है वो भी अच्छे तरीके से होगा और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी तो इससे जो इम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं कि उनके पास एक अच्छा प्लान है और अच्छे तरीके से वर्क किया जा रहा है इफ़ एक अच्छा प्लान ना हो तो जब हम प्रोडक्शन uh, करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज आती हैं तो इससे इम्प्लॉय भी मोटिवेटेड नहीं रहते हैं तो उन्हें लगता है कि ये प्रोसेस तो बहुत बेकार है इसमें बार बार ये प्रॉब्लम आएंगी तो एक गुड प्लान ही क्या हेल्प करता है इम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन में हेल्प करता है जिसकी वजह से वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं अच्छा वर्क करते हैं और इससे कंपनी को हायर प्रॉफिट अर्न होता है साथ ही साथ जो अच्छा वर्क करते हैं मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो अच्छा वर्क करते हैं उन्हें कंपनी कंपनी रिवॉर्ड भी करती है तो इसे बोलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स तो स्टूडेंट्स ये था क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आई होप ये आपको समझ में आया होगा अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वायरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हम उनका सोल्यूशन जरूर देंगे तब तक के लिए देखते रहिए दी पार, फार्मा पाठशाला को थैंक यू सो मच